दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग अपनी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो, आप लोगों में से बहुतों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम कम से कम पैसों में अपनी मस्कुलर बॉडी कैसे बनाएं। तो आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो इसे जरूर देखो और साथ में इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ 5 टिप्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप कम पैसों में ही अपनी मस्कुलर बॉडी बना पाओगे। तो मैं पहली चीज है, आपको एक चीज अपने दिमाग में रख लेनी है कि बॉडी बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग कंपटीशन खेलते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे जाके खेलते हैं, उन्हें बॉडी बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी बॉडी एकदम फिट चाहते हो, आप चाहते हो कि हर कपड़ा आपके बॉडी पे फिट हो, आप चाहते हो कि आपकी मस्कुलर बॉडी हो, तो आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं आपको इस वीडियो में जो 5 टिप्स बताऊंगा, आपको बस अच्छे से वो फॉलो कर लेने हैं। हमें जब भी अपनी बॉडी बनानी होती है तो हमें अपने दिमाग में एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो बॉडी बनती है वो कंसिस्टेंसी और उसके साथ डिसिप्लिन से बनती है। अब ये दोनों होते क्या हैं? हमें जब भी अपनी बॉडी बनानी होती है तो हमें डिसिप्लिन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमें कोई ऐसे चीज़ नहीं खानी होती जिससे हमारी मसल ब्रेक हो, मतलब कि हमारी मसल ना बने। तो हमें कुछ ऐसा नहीं खाना होता जिससे हमारी मसल ना बने, जैसे कि कोई ऑयली फूड नहीं खाना हमें, और साथ में कोई हमें जंक फूड नहीं खाना है जिससे हमारी बॉडी ना बने और जिससे हमारे मसल ना बने। और साथ में आप हाई प्रोटीन फूड खा सकते हो जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, तो आप वो खा सकते हो, एग्स हो गए, फिश हो गया, चिकन हो गया, हाई प्रोटीन फूड खा सकते हो जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बनेगी। तो हमारा समय पहला पॉइंट है बी स्ट्रॉन्ग। जब भी हमारी बॉडी बनाने की बात आती है तो उससे पहले हमारे शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि जब तक हमारे बॉडी में मसल नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ताकत नहीं होगी, जो बहुत गलत है। अगर गाइस आप घर पर ही रहकर पुशअप्स, चिनअप्स और पुलअप्स करोगे अच्छे तरीके से, तो गाइस आपका शरीर बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। गाइस आपका शरीर में ताकत होगी और आपका शरीर बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा, तो गाइस आपके शरीर में मसल खुद ब खुद आ जाएगी। इस गलत फहमी मत रहना कि हमारे शरीर में अब तक मसल नहीं है तो ताकत नहीं आएगी। पहले गाइस आपको अपने शरीर में ताकत लानी पड़ेगी, उसके बाद मसल खुद ब खुद आ जाएगी। तो घर पर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो जो मैंने बताई है, अच्छे से फॉलो कर सकते हो। जो सेकंड टिप्स है वो है इंक्रीज योर इंटेंसिटी। अगर गाइज आप घर पे ही वर्कआउट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे वर्कआउट करिए। इंटेंसिटी का मतलब है अगर आप पुशअप्स 10 कर रहे हो तो गाइज 10 की जगह 20 करो, 20 की जगह 30 करो, मतलब कि अपने हर सेट में रेपिटेशन बढ़ाते रहो ताकि उससे क्या इंटेंसिटी बनी रहे। अगर गाइज आपको पुशअप्स करने में आसानी लगती है तो आप अपने पीठ पे बैग लेके उसमें बुक्स वुक्स रख के पुशअप्स कर सकते हो, इससे क्या आपके मसल पे बहुत अच्छे से फोर्स भी लगेगा और आपके मसल अच्छे से ग्रो होगी। तो आप रेगुलर ऐसे कीजिए, अपने हर एक्सरसाइज में रेपिटेशन बढ़ाइए। और अगर एक्सरसाइज करते हुए आपका शरीर से पसीना नहीं निकल रहा तो गाइज वो आपकी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पा रही है। आप इतनी मेहनत करो, आप इतने एक्सरसाइज करो हैवी जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। पसीना निकलने से आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बनेगी और साथ में आपकी मसल भी बहुत अच्छे से आएगी। तो तीसरे टिप्स है वो है इंक्रीज योर स्टैमिना। जब तक गाइस आपके शरीर में स्टैमिना नहीं होगा तो आप अपनी बॉडी नहीं बना पाओगे। स्टैमिना बहुत मेन है, क्योंकि जब तक स्टैमिना नहीं है आपके शरीर में आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे, आपका फोकस नहीं हो पाएगा और आप ज़्यादा देर तक अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो गाइस आपको स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए आपको एक्सरसाइज से पहले केला खा लेना है जिससे आपको वर्कआउट बहुत अच्छे से होगा। आपको वर्कआउट से अपने 30 या 40 मिनट पहले आपको ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी है जिससे आपकी वर्कआउट बहुत अच्छे से होगा। ये चीज़ करते करते गाइस ऐसा करने से आपका स्टैमिना दिन पर दिन बहुत अच्छा होता रहेगा और साथ में आपके वर्कआउट भी होगी अच्छे से, जिससे आपके मसल बहुत अच्छे से शरीर में चढ़ेगा। फोर्थ जो टिप है वो है ईट हाई प्रोटीन फूड। आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे कि हाई प्रोटीन फूड कौन कौन से होते हैं। अगर गाइज आपके पास फ़ोन हो, अगर आपके पास नहीं आपके पेरेंट्स पास फ़ोन हो, तो आप उसमें गूगल खोलिए, गूगल पर सर्च कीजिए हाई प्रोटीन फूड कौन कौन से होते हैं, और जब पूरी हाई प्रोटीन फूड की लिस्ट निकल के आ जाएगी उसमें से आप अपना खुद चेक कर सकते हैं आपके जो बजट में हाई प्रोटीन फूड दिख रहा हो वो आप ले सकते हो। उससे क्या है आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बनेगी। हमारी लास्ट और नेक्स्ट हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टिप्स है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हो आपके शरीर में लगे, क्योंकि आपका जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा जब तक आप कुछ भी खा लो आपके शरीर में नहीं लगेगा, मतलब कि आपका बॉडी फंक्शनल बेकार है जिससे आप जो भी खा रहे हो आपके बॉडी में नहीं लग रहा है। तो आपको अपना डाइजेस्ट सिस्टम आपको अपना सही करना पड़ेगा। आपने हाई प्रोटीन फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, और आपका जाके अंदर पच ही नहीं रहा तो आपका कहाँ शरीर में लगेगा, आपकी मसल ही नहीं बनेगी। तो मेन आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, कुछ भी हो आपको अपना डाइजेस्ट सिस्टम सही कर लेना है। अगर गाइस आप चाहते हो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेस्ट सिस्टम पे बनाऊं तो कमेंट करके लिख देना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा। ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स जो आप बिना पैसों के ही
घर पर ही रह के अपने अच्छे से बॉडी बना पाओगे। इन पांच टिप्स को आप रेगुलर फॉलो कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके मसल अच्छे से इंक्रीज होगा, साथ में आपकी बॉडी में भी शेप आएगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये मेरे इंस्टा आईडी खोले इस वीडियो से रिलेटेड। अगर गाइज आपको कुछ डाइट पूछनी हो ये मेरी इंस्टा आईडी खोलिए, इंस्टा आईडी पे आकर डीएम करते करो, मैं आपको बताते करूँगा।